गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस, माई सेल्फ कृष्ण कुमार। एज यू नो स्टूडेंट, हम प्रीवियस क्लास में काव्य खंड से हमारी जो फर्स्ट पोइम है कक्षा दसवीं के लिए साखी कविता को हम कर रहे थे। साखी कविता जो कि कबीरदास के द्वारा रचित है, और हमने अब तक इसके लिए दो वीडियो प्रिपेयर कर ली है। पहली वीडियो में हमने साखी शब्द की जो मीन्स उसका जो मीनिंग है उसको हमने समझा। इसके अलावा साखी शब्द का मीनिंग हमने समझा, इसके अलावा जो कबीरदास की भाषा की विशेषताएं हैं, कबीरदास इस पोइम के अंदर कहना क्या चाहता है, हमने उस चीज़ को भी समझ लिया। जैसे मैंने ये चार या पांच पॉइंट आपको बताए थे, निर्गुण भक्ति पे जोर दिया है, सदुकड़िया पंचमेली भाषा का प्रयोग कर रखा है, तत्व ज्ञान की समझ हमें दी है, दोहा छंद का प्रयोग है, तत्सम शब्दों का बहुत अधिक कबीरदास ने क्या किया है, प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं किसी भी कविता से कि भाई उस उपरोक्त कविता में कवि कहना क्या चाहता है, कवि की भाषा की विशेषताएं क्या है, और एक विसाखी शब्द का मीनिंग क्या है, साखी शब्द का अर्थ क्या है। और दूसरी जो हमने वीडियो डाली थी उसमें हम व्याख्या पाठ को कर रहे थे, और अब तक हमने आठ में से चार दोहों को क्या कर लिया था, एक्सप्लेन कर लिया था। तो बच्चे आज की कक्षा में हम बचे हुए चार दोहों को करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट ओवर जो एक्सप्लेनेशन पार्ट। तो हम फर्स्ट जो आज का हमारा यानी कि फिफ्थ दोहा आज हम करने जा रहे हैं, हमारा फिफ्थ दोहा है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। बहुत इंटरेस्टिंग दोहा है। विरह, विरह का मीनिंग है किसी से जो बिछड़ जाने की, हम किसी अपने प्रियजन से जो बिछड़ जाए, या कोई भी जो जीव है इस धरती के ऊपर अगर वो अपने किसी प्रिय से बिछड़ जाता है, प्रिय में जो उसको सबसे प्यारा है उससे अगर वो बिछड़ जाए तो उसको उसके बिछड़ने की जो आग होती है ना, जो उसके दिल के अंदर होती है, जो उसको जलाती रहती है, उस आग को बोला जाता है विरह। किसी से बिछड़ने की आग, किसी से बिछड़ जाने का दुख, इसको बोला जाता है विरह। भुवंगम, भू मीन्स धरती, अवंगम मीन्स उसके ऊपर रेंगने वाला। धरती के ऊपर कौन रेंगता है, सांप रेंगता है। तन बसे, तन मीन्स शरीर के अंदर, बसे बसे मीन्स बस जाता है, ये दुख हमेशा के लिए उसके शरीर के अंदर बस जाता है। अर्थात कबीरदास क्या कह रहा है इस कविता इस लाइन के अंदर कि जो सांप होता है ना, सांप वो जोड़े में रहना पसंद करता है, जो जोड़े में जो सांप होते हैं वो जोड़े में ही रहना पसंद करते हैं, और अगर एक सांप अपने साथी जोड़े वाले सांप से बिछड़ जाए तो उसके बिछड़ने का जो दुख होता है ना, वो दुख हमेशा के लिए उसके शरीर के अंदर क्या हो जाता है, बैठ जाता है, बस जाता है उसके लिए हमेशा। मंत्र न लागे कोई, मंत्र मीन्स उपचार, न लागे नहीं लगेगा कोई, कोई भी आप फिर उस सांप के ऊपर कोई भी उपचार कर लो, किसी भी तरीके से कुछ भी कर लो, आप कितने ही मंत्र पढ़वा लो आप, लेकिन वो सांप शांति के साथ रह ही नहीं सकता। वो जो उसके बिछड़ने की जो आग है ना, जो दिल के अंदर बैठी है, वो उसको भटकता रखेगी, वो एक स्थान पर कभी भी टिक कर बैठ ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। वो अपने साथी सांप को जो है ना पागलों की तरह क्या करता रहता है, ढूंढता रहता है। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है इसमें कि जो बिछड़ने की जो आग होती है उस सांप के शरीर में हमेशा के लिए बस जाती है। फिर आप उस आग को निकालने के लिए कितने ही उपाय कर लो, कितने ही मंत्र क्यों ना पढ़ लो, लेकिन आप उस आग को निकाल नहीं पाओगे। ऐसी हालत इंसान की भी हो जाती है, किस इंसान की, राम वियोगी, राम मीन्स वो परमपिता परमात्मा, वियोगी मीन्स उससे बिछड़ जाना, ना जीवे जी नहीं सकता वो, जीवे और अगर बाई चांस जी भी जाए तो मीन्स क्या होगा फिर, बोरा, बोरा मीन्स पागल, कोई मीन्स हो जाता है, फिर वो इंसान क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा। अर्थात कबीरदास क्या कहना चाहता है इसमें कि जिस किसी इंसान का मन एक बार उस राम परमपिता परमात्मा की भक्ति में लग जाता है, और फिर किसी तरीके से उसकी आपने भक्ति छुड़वा दी या उसको भक्ति छोड़नी पड़ गई, तो वो प्रभु की भक्ति के बिना रह ही नहीं सकता। प्रभु से बिछड़ने का दुख उसको खा जाता है अंदर ही अंदर, वो जी नहीं सकता, और अगर बाई चांस वो जी गया तो बोरा हुई, फिर वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। अर्थात यहाँ पर कबीर दास ने दो चीज़ों को कंपेयर किया है, एक तो अगर जोड़े वाला सांप बिछड़ जाता है तो उसकी हालत,
और दूसरी प्रभु की भक्ति में जिसका मन लग जाता है उसकी हालत दोनों की एक जैसी हो जाती है। वो अपने जोड़े के बिना रह ही नहीं सकता और इंसान प्रभु की भक्ति के बिना नहीं रह सकता। वो रहेगा तो पागलों की तरह अपने साथी सांप को ढूंढता रहता है, बिछड़ जाता है, भटकता रहता है। ठीक उसी तरीके से प्रभु भक्ति में लगा हुआ इंसान प्रभु भक्ति के बिना रह नहीं सकता, और अगर बाई चांस वो रह गया मतलब जी गया वो, तो वो क्या हो जाता है, पागल हो जाता है। अर्थात इस दोहे में दो चीज़ों को कंपेयर किया है। आई होप ये दोहा आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट दोहे की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग दोहा है। निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुंटी बंधाई, बिन पानस पानी साबुन बिनो निर्मल करी सुभाई। निंदक, निंदक कौन होता है, जो हमारी बुराई करता है, हमारे किए हुए कामों में जो गलतियां निकालता है, हमारे व्यवहार में जो गलतियां निकालता है, वो जो हमें ये बताता है तू यहाँ पे गलत है, मेरी बुराई कर रहा है, उस इंसान को कहा जाता है निंदक। नेड़ा, नेड़ा मीन होता है नज़दीक, राखिए रखना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे कामों में गलतियां निकालता है, हमें हमारी बुराइयों के बारे में बताता है, हमें हमारी कमियों के बारे में बताता है, जो हमारी आलोचना करता है, ऐसे निंदक आदमी को हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए। आंगनी, आंगनी मीन्स घर का आंगन। कुंटी, दीवारों पे आपने देखा होगा पहले लोग जो है ना खूंटियाँ लगवा लेते, तो लोहे की एंगल लगवा लेते थे ताकि किसी भी चीज़ को क्या किया जा सके, वहाँ पर लटकाया जा सके। ठीक है, तो आंगनी मीन्स आंगन घर का, कुंटी मीन्स घर के आंगन में लगी हुई वो खूंटी, बंधाई, बंधाई मीन्स बांध लो। कबीर क्या कह रहा है कि जो आदमी आपकी बुराई करता है, आपकी आलोचना करता है, ऐसे आदमी को आप अपने साथ हमेशा रखिए। बेशक फिर उसको पास रखने के लिए घर के आंगन की खूंटी से उसको बांध लो, लेकिन रखो ऐसे इंसान को हमेशा अपने पास। क्या फ़ायदा होगा, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करी सुभाई, क्योंकि वो जो निंदक होगा ना, वो ना तो साबुन का इस्तेमाल करेगा ना पानी का प्रयोग करेगा, बिना साबुन पानी के ही निर्मल बिल्कुल साफ कर देगा। सुभाई, सुभाई में जब ना हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, उसको पूरी तरीके से वो क्या कर देगा, साफ कर देगा। हम अपने शरीर को बाहर से जो हमारा शरीर दिखाई दे रहा है, हम इस शरीर को किससे साफ करते हैं, साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके ऊपर आए हुए डस्ट को, मैल को हम उतार देते हैं, जिससे हमारा ये भारी शरीर जो है ना साफ हो जाता है। लेकिन जो निंदक आदमी होता है ना, वो ना तो साबुन का इस्तेमाल करेगा ना पानी का इस्तेमाल करेगा, वो फिर भी आपके हृदय को, आपके मन को पूरी तरीके से क्या कर देगा, साफ कर देगा। कैसे करेगा ऐसा आदमी साफ, देखिए सिंपल सी बात है, हम कोई भी काम करेंगे वो हमारे काम में गलतियां निकालेगा, हम कोई भी बात बोलेंगे वो हमारी बोली हुई बात में गलती निकालेगा, हमारी बुराई करेगा, और हम धीरे धीरे अपनी बुराइयों में क्या करते जाएंगे, सुधार करते जाएंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा जब हमारी सारी बुराइयां निकल जाएंगी, और जब इंसान की बुराइयां निकल जाती हैं तो उसका मन, उसका हृदय पूरी तरीके से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जो भी आदमी आपकी बुराई करता है, आपके किए हुए कामों में गलतियां निकालता है, ऐसे इंसान को हमेशा अपने पास रखो। बेशक उसको घर के आंगन की कुंटी से बांध लो, लेकिन रखो उसको अपने पास, क्योंकि ऐसा आदमी बिना साबुन पानी के ही आपके स्वभाव को, आपके मन को, आपके हृदय को पूरी तरीके से क्या कर देगा, साफ कर देगा। नेक्स्ट जो दोहा है उसमें कबीरदास ने अंधविश्वास पर, पाखंड पर ढोंग है उस पर कमेंट किया, उस पर व्यंग्य किया है। कबीरदास ने नेक्स्ट दोहे में क्या बोला है, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान कोए, एके असिर पीव का पढ़ी सो पंडित होए। पोथी, पोथी मतलब ये धर्म की बड़ी बड़ी किताबें, गीता पढ़ ली, बाइबल पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ लिया, वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, ये जो बड़ी बड़ी धर्म की किताबें हैं इनको कहा जाता है पोथी। पढ़ी, पढ़ी मतलब पढ़ते पढ़ते, जग, जग मीन्स ये पूरा संसार, मुआ, मुआ मीन्स या तो मर गया या क्या हो गया, पागल हो गया। पंडित, पंडित मीन्स विद्वान, भया नहीं बन पाया कोई, इनमें से कोई भी विद्वान जो है, इनमें से कोई भी जो इंसान है वो क्या नहीं बन पाया, विद्वान नहीं बन पाया। अर्थात कबीरदास ने इस दोहे में क्या कहा है, कबीरदास ने चीज़ कहना चाहता है कि संसार में बहुत सारे आदमी क्या कहते हैं कि मैंने धर्म की किताबें पढ़ी हैं, मैं अपने आप में क्या हूँ, पंडित हूँ। पंडित यहाँ कास्ट नहीं है, पंडित का मतलब है विद्वान, जिसको परमात्मा का ज्ञान है। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने धर्म की किताबें पढ़ी हैं,
मैं अपने आप में विद्वान हूँ, लेकिन कबीरदास ये कह रहा है कि संसार के लोग धर्म की किताबें पढ़ते पढ़ते पागल हो गए, या बहुत सारे तो मर गए, संसार से ही चले गए, लेकिन उनमें से वास्तविकता में कोई भी विद्वान नहीं बन पाया। उनको जो किताबों में लिखा हुआ है ना, सिर्फ उतना ही ज्ञान है, परमात्मा की एक्चुअल टीका उनको भी कोई पता नहीं है। इन किताबों के बदले अगर आप एक असिर मीन्स अक्षर, पीयू मीन्स परमात्मा का, परमात्मा नाम का जो एक अक्षर है ना, आप उसको दिल से स्मरण करते रहो, उसको मन में आप बोलते रहो, पढ़ी सु पंडित हुई, उसको जो अपने मन में दिल में स्मरण करता रहेगा, पढ़ता रहेगा, वही इंसान क्या बन जाएगा, विद्वान बन जाएगा, पंडित बन जाएगा। अर्थात कबीरदास ये कहता है कि धर्म की किताबें पढ़ने से विद्वान नहीं बनता, धर्म की किताबें पढ़ने से हमें परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हमें कब होगा, जब हम परमात्मा के अक्षर को, परमात्मा के नाम को जब हम अपने दिल से स्मरण करेंगे, तो हमें परमात्मा की सच्चाई का क्या होगा, ज्ञान होगा। अर्थात इस दोहे में कबीरदास ने उन लोगों के ऊपर कमेंट किया है जो धर्म की किताबें पढ़ने के बाद अपने आप को क्या साबित करते हैं, विद्वान साबित करते हैं। ऐसे लोगों को कबीरदास ने कहा कि विद्वान बन ही नहीं सकता कोई भी। विद्वान कौन बनता है, जो परमात्मा के अक्षर के नाम का स्मरण करता है, उसकी भक्ति करता है, वही इंसान क्या होता है, विद्वान होता है। लास्ट दोहा बहुत ही गहरा मीनिंग है लास्ट दोहे के अंदर। लास्ट दोहा क्या है कि हम घर जलाया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। इस दोहे की मैं एक बार थोड़ी सी पृष्ठभूमि आपको समझा दूं, बीज भूमिका समझा दूं। बहुत सारे लोग क्या कहते थे कबीरदास को कि भाई हमें अपने साथ रख लो, हम भी आपके साथ रहकर आपके साथ भगवान की भक्ति करेंगे। तो कबीरदास ने कहा कि भी मेरे साथ भक्ति कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे तो, लेकिन मेरे साथ भक्ति करने से पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। जैसे वो होता नहीं कि भाई आपको पुलिस के अंदर जाना है, पुलिस की जॉब आपको लेनी है, तो जॉब लेने से पहले आपको ये क्वालिफिकेशन, ये टर्म्स कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी, तो आपको पुलिस की जॉब मिलेगी। ऐसे ही कबीरदास ने एक तरीके से अपने टर्म्स कंडीशन बता दी कि भाई अगर मेरे साथ आपको भक्ति करनी है तो आपको इन चीज़ों को जरूर पूरा करना होगा। वो चीज़ें इस दोहे में बताई कि क्या ऐसी चीज़ है जो कबीर के साथ भक्ति करने से पहले आपको करना पड़ेगा। इस दोहे के दो मीनिंग है, एक इसका बिल्कुल सिंपल मीनिंग, पहले हम सिंपल मीनिंग को समझेंगे, उसके बाद जो इसका गहरा मीनिंग है उसको हम समझेंगे। कबीरदास ने इसमें क्या कहा है कि हम मीन्स मैंने, घर मतलब घर, जलाया मीन्स जला दिया, अपना मैंने अपना घर अपने आप ही क्या कर दिया, जला दिया। कैसे जलाया, लिया मीन्स लेकर, मुराड़ा मीन्स जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा, एक सिरा तो ऊपर वाला, उसमें तो आग लगी हुई है, नीचे सिरे वाले को हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है, हाथी मीन्स हाथ में। तो मैंने क्या किया, जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ा और उस टुकड़े से अपने ही घर को क्या कर दिया, जला दिया। अब मीन्स अब आप में से घर जालो, घर जला सकता है तास का, तुम लोगों में से जो कोई भी अपना घर खुद जला सकता है, जे चले हमारे साथी, जे मतलब वो व्यक्ति, चले मीन्स चल सकते हैं, मीन्स मेरे साथ रह सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, मेरे साथ वो इंसान क्या कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। अर्थात इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ है, कबीरदास ने लोगों को कहा कि भी मैंने तो भक्ति करने से पहले अपने घर को खुद ही जला दिया। कैसे जलाया, जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लिया और अपने घर को क्या कर दी, आग लगा दी। अब तुम लोगों में से जो कोई भी अपने घर को जला सकता है, वो मेरे साथ रहकर क्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है। ये तो हो गया इसका सिंपल मीनिंग। अर्थात कबीरदास इस दोहे में क्या कहना चाहता है कि मैंने अपने मन के अंदर, घर मीन्स मेरा जो ये हृदय है, इस मन के अंदर जितनी भी बुराइयां थी, क्योंकि बुराइयां कभी भी इंसान को दिल से परमात्मा की भक्ति करने ही नहीं देती, जो भी बुराइयां मेरे हृदय के अंदर थी, मेरे मन के अंदर थी, कबीरदास कहता है कि मैंने भक्ति करने से पहले अपने मन की उन सारी बुराइयों को अपने आप ही क्या कर दिया, जला दिया, खत्म कर दिया। अब तुम लोगों में से जो अपने मन को पवित्र कर सकता है, जो अपने मन की सारी बुराइयों को खत्म कर सकता है, वो मेरे साथ रहकर क्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है। अर्थात कबीरदास ने इस दोहे में क्या कहा है कि भी अगर प्रभु की भक्ति करनी है तो भक्ति करने से पहले हमें अपने घर को जलाना पड़ेगा। अर्थात हमारे मन के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, उन सारी बुराइयों को क्या करना होगा,
निकालना होगा ताकि हमारा मन हमारे नियंत्रण में हो, हमारे कंट्रोल में हो, और फिर हम अपने मन से वही सोचें जो हम सोचना चाहते हैं, फालतू की कोई भी चीज़ हमारे दिमाग के अंदर ना आए। आई होप ये चारों दोहे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।